नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज हम एक जगह आए हैं दोराला में। दोराला के पास एक जगह पड़ती है बटोर। ये गांव है बटोर। चारों तरफ का व्यू मैं आपको अभी दिखा देता हूं। ये देखिए यहां पर ये बटोर गांव है। और यहां पर ना एक फेमस कॉमेडी चैनल है हटो बच्चों के नाम से। वो कॉमेडी करते हैं और हंसी मजाक के तौर पर वीडियो बनाते हैं बहुत सारी। और ये वो चौक है जहाँ पर मेरे भैया रहते हैं। भैया इस चौक को क्या बोलते हैं? ये यहाँ पे क्या जगह है वैसे? जी, जोगियों का कुआं। जोगियों का कुआं, इस नाम का, इस जगह का नाम है जोगियों का कुआं। और ये भैया हैं जो कॉमेडी चैनल में ये भी आते हैं। आपका नाम क्या है सर? शिवम। शिवम है आपका नाम? अच्छा, तो आप लोगों ने सर चैनल बनाया हुआ है कॉमेडी का? अच्छा, चलिए अंदर बैठ के बात करते हैं। तो ये भैया है, ये इनकी बैठक है यहाँ पर। और ये भैया अपने चैनल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देंगे और इनसे बात करते हैं अभी। चलिए अंदर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे फिलहाल हम बैठे हैं भैया के साथ में। भाई साहब नमस्कार, आपके हमारे चैनल में स्वागत है। तो ये भैया यहाँ पे बटोर गांव में है, जिला मेरठ में, और ये एक दोराला के पास गांव पड़ता है। तो भैया आपके चैनल का नाम क्या है? हटो बचो। हटो बचो, जो आपने अभी बनाया। और पुराना वाला चैनल एक और चौहान वाइंस के नाम से एक और चैनल है इनका। तो आप कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, तो आइडिया कैसे आया था इस तरह की वीडियो बनाने का? बस भाई काम वही था, बस के नाम है। एक बार वैसे पहले तो कार्टून की वीडियो की वॉइस ओवर कर रहे थे, फिर धीरे धीरे इस काम में लग गई। अच्छा अच्छा, एक बार खुद की बना के देखते हैं। जी हाँ, तो बढ़िया चल रहा है चैनल फिलहाल। बढ़िया। कितने सब्सक्राइबर हैं आपके? हमारे 2 मिलियन होने वाले हैं। 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं भैया। दूसरा बनाया उस पर भी हो जाएंगे 50-60 हजार। उसके लिए 50-60 हजार। वो किस नाम से बचा बना? हटो बच्चो के नाम से। पुराना वाला चौहान वाइंस के नाम से या ब्लॉग के नाम से? चौहान वाइंस के नाम से। अच्छा, तो आपकी टोटल टीम में आपके कितने मेंबर्स हैं? पांच। पांच मेंबर की टीम है इनकी। अभी एक भैया और है ना, वो कहीं दिख नहीं रहे हैं, कहीं बाहर गए हैं क्या? हाँ, बाहर जा रहे हैं, घूमने जा रहा भाई, लद्दाख। लद्दाख गए हुए हैं, बहुत बढ़िया। तो आप लोग नहीं गए इनके साथ? ना ना, बस थोड़ा सा घर का काम ज्यादा था, बस उसे भाई को अपने दोस्तों के साथ जाना था। उनका नाम लीलू है ना सर? लीलू है उनका नाम, वैसे रियल नाम उसका सोनू नाम है। और ये देसी पंचायत वाला चैनल कौन सा है फिर? वही तो चौहान वाइंस वाला ही था। अच्छा, देसी पंचायत। लेकिन अब देसी पंचायत हमने एक मतलब उस पर जो था देसी पंचायत उस पर भी बनाई थी, लेकिन इस वाले पे भी बनाई है हटो बचो पे एक देसी पंचायत। अच्छा अच्छा, मतलब ये जो देसी पंचायत है कॉन्सेप्ट बनाया था आपने कि एक कंटेंट का नाम था एक देसी पंचायत, वैसे चैनल का नाम आपका अलग है। तो कोई ऐसी जानकारी जो आपके चैनल से संबंधित हो, कुछ नया हुआ हो? नया तो बस ये है, अपना एक नया चैनल क्रिएट करा हो, जो बाबा जी है उन्होंने। जी हाँ, बस उसी का ही हटो बचो। जी हाँ, उसी का चैनल है। ओके, तो अभी भविष्य में और भी ऐसी कॉमेडी वीडियो आती रहेगी। बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, वो गाली वाला प्रकरण क्या है जो गाली दे देते हैं बीच में? देखो जी, लोग बाग गाली तो सभी दिया करें आज के टाइम में जी। लेकिन हमने उस गाली को राइमिंग में बदल दिया। अच्छा, शायरी के तौर पर। शायरी के तौर पर, बस वही बंदों को अच्छा लगा, बस हम फेमस हो गए। बिल्कुल। तो ये भैया बता रहे हैं कि जो गालियों का कॉन्सेप्ट है इनका, वो सिर्फ कॉमेडी के लिए है, किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं है, सिर्फ कॉमेडी के तौर पर है। अच्छा, शूट आप कहीं जंगल में, खेत में, वहीं गांव में? गांव में शूट करते हैं। गांव में सारी शूटिंग यहीं रखी भाई। तो ये भैया सारी गांव में शूटिंग करते हैं? थोड़े कुछ बाहर कंट्री में भी, बाहर विदेश में भी गए आप कहीं? अभी तो पूरा भारत ही ना घूमा। तो आप शुरू से बटोर में रहते हैं? अभी भविष्य में कोई नौकरी वोकरी करने का मूड है? नहीं, अब कुछ नहीं, अब तो बस इसी लाइन में रहना जी, इसी काम में रहना है, इसमें जीवन बिताना। अब तो कुछ आ जाता है अर्निंग वगैरह बढ़िया, जिससे खर्चा चल जाए? हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया अर्निंग आवे, कोई कमाई हो जाए, नौकरी वोकरी से तो बढ़िया है किसी की नौकरी। हाँ, पहले क्या करते थे आप? पहले बस वही पढ़ाई वढ़ाई और कुछ नहीं। अच्छा, पहले पढ़ाई के बाद पॉलिटेक्निक कर रहे थे, तो उसके बाद बस चैनल हमारा ऐसा था, देसी पंचायत 3 हमारी वायरल हो गई थी जी। तो उसके बाद थोड़ा सा जैसे ही मतलब, तो देसी पंचायत का कोई डायलॉग हो जाए फिलहाल, कोई डायलॉग बोल के दिखाइए देसी पंचायत, कुछ थोड़ा सा एक बार करके दिखाइए जो आप चैनल में करते हो। नहीं, वो पंचायत की माँ की वो कुछ क्या था एक डायलॉग, देसी पंचायत में एक डायलॉग बोला था आपने, ये पंचों की माँ का कुछ वो वाला डायलॉग, वो भैया बोल के दिखा सकते हैं? वो मेरा डायलॉग कहाँ था? वो उनका था, लीलू भैया का शायद। इतने सारे डायलॉग हो रहा, वो तो कैसे याद रहे? तो कुछ फेमस बता दिए फिर भी एक बार। भैया वाला आता भैया है हमारे सर्विस का, हम जितना मजाक खा दूंगा। क्या था वो शुरू में, क्या था? ज्यादा मत बोलना था। हाँ। वो ही था, ऐसे था वो डायलॉग, ज्यादा मत बोल आग उठा दूंगा जी, देखे तेरे मुंह में औजार,
जाग उठा दूंगा। अरे वाह। और एक बार वो पंचायत की वो भी बताइए, पंचायत की माँ की चूर, पंचायत की माँ का भोसला, वो पता नहीं कैसा भी तो सेटल हो तो कच्ची गली का चिनार की पत्थर का खोपड़ा, हाँ जी हाँ जी, और पंचों की माँ की चूर और पंचायत की माँ का भोसला। तो ये इनका कंटेंट, ये गाड़ियों से कॉमेडी करते हैं अपने चैनल में। अच्छा, लोग आपत्ति नहीं दर्ज करते जो आसपास के गांव के लोग हैं, वो कहते हैं नहीं शुरू शुरू में करी आपत्ति, अब तो कुछ भी नहीं है, बस यही कहते थे कि हमारी लोन डिलारी देखे हैं वीडियो वगैरह से, बंद करो थिएटर को, बस हम भी कान पर लपेटा देके लगे रहे अपना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो गांव वालों ने विरोध इकट्ठे होकर भी आए होंगे लोग? यार नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस एक दो बड़े बुजुर्गो ने कहा हमें कुछ शुरू में, उसके बाद फिर कुछ नहीं, बस अब घर वालों ने भी आपत्ति करी थी, उसके बाद कुछ नहीं, क्योंकि अब अर्निंग बढ़िया। अच्छा, चैनल पे भी कोई दिक्कत आती है आपके, जैसे आप गालियां देते हो चैनल में तो कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ हो जाता है कुछ? वो नहीं, गाइडलाइंस तो कुछ नहीं है इसमें, बस वो है नहीं, गालियां देना एक मतलब का प्रॉब्लम आ जाएगा, मतलब येलो डॉलर, बस येलो डॉलर आ जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। येलो डॉलर मतलब ये होता है कि इनकम खत्म हो जाती है वीडियो की, और कुछ नहीं, ऐड आने बंद हो जाते हैं बीच में, स्किप करने वाले ऐड होते हैं ना वो बंद हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, उस पे वीडियो पे ऐड नहीं है, कोई अर्निंग नहीं आती आप? नहीं नहीं। तो ऐसी कोई वीडियोस हैं आपके चैनल पे बहुत सारी की जिन पे येलो वाला आइकन आया? बहुत सी है, दो चार वीडियो होगी लास्ट, बस 100-150 वीडियो हुई है, उनमें से दो चार वीडियो होगी बस, तो है कुछ ऐसी 8-10, तो उन पे अर्निंग नहीं आते? नहीं। तो आपका क्या फेमस डायलॉग है भैया, आपका भी कुछ बहुत बड़ा मंत्र है भाई? नहीं, आपका फेमस कोई डायलॉग जो आपने चैनल में ये कॉमेडी टाइप करते हो आप जो बोलते हैं? बाबा गाँव में आतंक सा छा रहा, तुम कुछ उपाय कर सको क्या है, कर सको बाबा के टैलेंट पे शक? जी कोई नहीं, याद करके बता दीजिए भैया, बता दीजिए भैया, कह रहे हैं कि फिलहाल देखना पड़ेगा, इतने सारे डायलॉग बोला क्या, तो खुद भी याद नहीं रहता कि कौन सी वीडियो कौन सा है। जी बिल्कुल। अच्छा, पर डे सब्सक्राइबर बढ़ते रहते होंगे आपके, जब आप चेक करते होंगे अपना वाइट स्टूडियो तो आपके सब्सक्राइबर बढ़ते रहते होंगे? हां, तो डेली के बढ़ते, कितने बढ़ जाते हैं लगभग रोजाना? डेली 1000 ही बढ़ जाता है, 1000-2000 सब्सक्राइबर, जो नया चैनल चल रहा है। 1000 सब्सक्राइबर, हर कल उस पे 3000 सब्सक्राइबर आए थे कल कल में। तो भैया अपने डायलॉग सर्च कर रहे हैं कोई तगड़े वाला कि देखते हैं, सुनी वाला सर क्या तो ये रहा, बस वही रहा भैया, जब कैमरे के सामने रहवे ना इसमें, हो भैया तो उस टाइम में हां पाऊंगा, कौन से ये वाले इसके बाद ही आने वाला है, यो जो यो आने कौन सा, ये तांत्रिक करोड़ करो कर दोगे? अरे एक बार काम जो हमने ठान लिया मजा ले वो बिगड़ जा, और बाबा की तो बात ही छोड़ दे, अगर चेले का भी चूस लेनी तो मां की चुप तो खली निकल जा। एक बार वो डायलॉग एक बार बोल के दिखाइए, ये तांत्रिक वाला जो आपने अभी बोला इसमें, होली वाला, हाँ के एक मिनट में खुशी से भर जाएगी तेरी झोली। अच्छा, अब 1000 पकड़ गए तो मतलब ये पर बाबा को 1000 की भली कोली। अच्छा अच्छा, सभी मिलके आप कंटेंट को क्रिएट करते हैं? हाँ। बनाते हैं, सोचते हैं कि क्या लिखना है क्या बनाना है, सबका बस एक खेती वगैरह भी करते हैं आप इसके साथ साथ? भाई खेती वेती तो कुछ नहीं, बस वही है हमारे में से 2-3 पे खेती है, 5 बंदे हम करें खेती सब, पर वही है घर वाले ज्यादा करें हम कम करें, क्योंकि हम इसी लाइन में। आप पांचों एक ही मतलब एक ही परिवार से हो या अलग अलग परिवार? नहीं, दोस्त है, एक ही गांव के हैं बस, दोस्त हैं। बढ़िया है, बाकी लोगों को पूरा मजा आता होगा आपकी वीडियो देखने में भाई, इतने सारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, बहुत प्यार मिल रहा है हर जगह से, प्यार मिल रहा है हमें, बस यही है, बढ़िया लग रही है हमारा। लीलू भैया क्या करते थे पहले? भैया पूछ रहे हैं, वही पढ़ाई वढ़ाई कर रहा, वो भी पहले वो बैंकिंग मतलब बैंकिंग की तैयारी कर रहा था उस टाइम पे जी, उसमें कामयाबी नहीं मिली उसे, फिर एक दो बार कामयाबी उसकी होने से रहेगी, फिर उसके बाद इसने इस लाइन पे आ गया, हमें चुना सारे भाइयों ने थोड़ा। अच्छा, कॉमेडी कंटेंट है, कैसा कंटेंट है जिसको चलाना नहीं पड़ता? कॉमेडी कंटेंट अपने आप चलता है, आप कंटेंट अच्छा बनाओ, कॉमेडी लोग पसंद करते हैं, हंसना पसंद करते हैं लोग आज की डेट में, कि भाई इंटरटेन हो, कुछ हंसे, कुछ ऐसा हो जिससे टेंशन दूर हो, तो इनकी वीडियो देख के अपनी टेंशन दूर कर लेते हैं। जो मतलब कॉमेडी के चैनल आपने किसको खुद से इंस्पायर है भैया? हम तो खुद से काम, भाई हम खुद से काम कर रहे हैं, लेके आए स्किप से लेके और लोगों के चैनल कई के चैनल उठ के भाई हमारी कॉपी कर करके लोगों कॉपी कर करके कई, मतलब जैसे एक मॉडर्न एंटरटेनमेंट था। तो एक बार हमारी ऑडियंस को बता दीजिए कि हमारे भी चैनल सब्सक्राइब कर ले। क्या नाम? मेरा नाम ट्रिप विद आदेश है। तो भाई ये हमारे भाई है, इनका चैनल है ट्रिप भाई आदेश के नाम से, ट्रिप विद ट्रिप विद आदेश, ट्रिप विद आदेश जी, हमें सहारनपुर से कर दो भाई, हमारे प्रधान जी की तरफ से भी। हां भाई सब्सक्राइब कर दियो चैनल को, सब भाई के चैनल को। तो भैया बोल रहे हैं कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, थोड़े हमारे सब्सक्राइबर बढ़वा दीजिए। तो प्रधान का रोल यही कर रहा है? हां प्रधान जी का रोल मैं करूं। तो ये अपने चैनल में प्रधान जी है भाई, और ये अपने वीडियोस में प्रधान जी का रोल, आप किस चीज का रोल प्ले करते हो? ज्यादातर पापा का कैरेक्टर, बाबा जी, पापा
ये बाबा जी बनते हैं चमत्कार, चमत्कारिक बाबा। जो दूसरे वाले हैं वो मांगे हुए नहीं है तो नहीं कोई भी वो मांगे हुए हैं शूटिंग वोटिंग पूरी होने का चलिए दोस्त धन्यवाद आपका बहुत बहुत हमारे चैनल में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों ये थे कॉमेडी चैनल जो कि एक गांव है बटोर दोरोला मेरठ के पास में, ये भैया जो थे ये गालियों से कॉमेडी करते हैं और लोग हंसते हैं इनकी गालियां को सुन करके, उन चैनल पे वीडियो को देख करके लोग हंसते हैं इनकी गालियों को सुन करके। तो खैर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।